गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मेजरमेंट में अलग अलग प्रकार की आने वाली एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है इसमें एब्सोल्यूट एरर। जब भी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपकी एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। जैसे कि स्केल पे आप अपना वेट मेजर करते हो तो वो 90 किलो बताता है। आपने अपना वेट किया स्केल पे तो 90 केजी बताया और आप खुद जानते हैं कि आपका वेट 89 केजी है फ्रॉम सम अदर्स मेजरमेंट, तो इस केस में आपके एब्सोल्यूट जो एरर है वो ही 90 केजी माइनस 89 केजी वो 1 केजी। एब्सोल्यूट एरर जो भी आप स्केल पे मेजरमेंट करने वाले हो वो आपके एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो आपके मेजर अमाउंट से मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है ये स्केल राउंड ऑफ कर रहा हो और स्केल पे आपका वेट 89.6 किलोग्राम आ रहा है, वो उसको 9 राउंड ऑफ करके 90 केजी बता रहा हो। तो इस केस में जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.4 केजी हो जाएगा। एब्सोल्यूट एरर का आपका फॉर्मूला है डेल एक्स इज रिप्रेजेंटिंग एब्सोल्यूट एरर, वहाँ पर एक्स आई जो है वो मेजरमेंट के द्वारा लिया गया है वो, और एक्स टी को कहा गया है ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो आपका एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। रिलेटिव एरर अगर प्रिसीजन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एरर को मेजर करते हैं तो वो रिलेटिव एरर आपका एब्सोल्यूट एरर और मेजरमेंट जो लिया गया है उसका रेशियो होता है। रिलेटिव एरर मेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिसीजन, तो रिलेटिव एरर है वो एब्सोल्यूट एरर और मेजरमेंट जो लिया गया है उसका रेशियो होता है। रिलेटिव एरर साइज बीइंग मेजर, आरई या रिलेटिव एरर को जो है वो एब्सोल्यूट एरर और मेजरमेंट जो लिया गया है उसका अनुपात होता है। रिलेटिव एरर की कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। अगर दो पीपल्स हैं जो कपड़े को मेजरमेंट करना है मीटर स्टिक से, एक पर्सन के द्वारा लेंथ मेजर की जा रही है और दूसरे पर्सन के द्वारा विड्थ मेजर की जा रही है, और मीटर जो स्टिक है उसकी एक्यूरेटी है वो 1 mm है, तो एब्सोल्यूट एरर हो गई उस केस में प्लस माइनस 0.001 मीटर। 1 mm को आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो एब्सोल्यूट एरर रही इसमें 0.001 मीटर। अब क्लॉथ जो है उसको मेजर किया तो 3.215 मीटर है, तो रिलेटिव एरर रही उस केस में 0.001 मीटर डिवाइड बाई 0.3215 मीटर। 0.001 मीटर जो है वो आपका एब्सोल्यूट एरर है और 3.215 जो है वो मेजरमेंट लिया गया है वो है, तो रिलेटिव एरर इस केस में आई आपके 0.003%। इस प्रकार से कपड़े की अगर विड्थ को मेजर किया वो है 4.075 मीटर, तो रिलेटिव एरर 0.001 मीटर और मेजर वैल्यू है 4.075
0.075 मीटर। तो उस केस में, विड्थ के केस में रिलेटिव एरर आएगी आपका 0.002%। तो एब्सोल्यूट एरर अगर 0.001 मीटर है सेम फॉर ईच, लेकिन रिलेटिव एरर जो है वो विड्थ के लिए स्मॉलर है। तो रिलेटिव एरर से अपन ये समझते हैं कि रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और मेजरमेंट जो लिया जा रहा है उसका अनुपात होता है। एब्सोल्यूट एरर है वो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो अपना है, रिलेटिव एरर इज मेजर ऑफ एक्यूरेसी। 9 times out of 10 RF इज मेजर ऑफ प्रिसीजन। रिलेटिव एरर है वो 90% प्रिसीजन का ही मेजर होता है। 1% के या 10 जो पार्ट है वो 10% पार्ट है वो एक्यूरेसी का होता है। रिलेटिव एरर एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन होता है मेजरमेंट का एक्यूरेट वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में। रिलेटिव एरर एक्यूरेसी में तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको एक्चुअल या ट्रू मेजरमेंट नाउन हो। तो रिलेटिव एरर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूरेसी है वो आपका अनुपात हुआ एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का। एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू है उसका जो अनुपात है वो आपका रिलेटिव एरर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूरेसी कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल लिया कि आपका वेट, घर पे आपने पास इंस्ट्रूमेंट है, वेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, उस पे आपने वेट किया तो वेट आया 165 किलोग्राम। बट यू नाउ योर ट्रू मेजरमेंट फ्रॉम डॉक्टर ऑफिस या अदर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से, उससे आपने जब पहले मेजर किया था तब आपका वेट 172 किलोग्राम है। तो रिलेटिव एरर एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में आएगा 165 / 172, जहाँ पर 165 किलोग्राम है वो एब्सोल्यूट एरर और 172 किलोग्राम है वो आपका आएगा ट्रू वैल्यू 0.96%, को परसेंटेज एरर भी कहा जाता है। मेजरमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अमाउंट पर बेस्ड होता है, जो कि पूर्णतया किसी अदर इक्विपमेंट से एक्यूरेटली कंपेयर करके दिया जाता है। जनरली मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का किसी स्टैंडर्ड डेराइव्ड से कंपेयर करके दिया जाता है, विद विच दे आर नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट। द एरर इन मेजरमेंट आर नॉट ओनली ड्यू टू एरर इन मेथड्स बट आर ऑल्सो ड्यू टू डेरिवेशन बींग नॉट डन परफेक्टली वेल। सो 100% मेजरमेंट आर इज नॉट पॉसिबल विथ एनी मेथड। तो मेजरमेंट एरर से अपन ये समझते हैं कि जिस किसी भी क्वांटिटी का अपन मेजरमेंट करते हैं उसको स्टैंडर्ड डेराइव्ड कम्प्लीटली जो है वो स्टैंडर्ड डेराइव्ड होता है उससे कंपेयर करके करते हैं। जो स्टैंडर्ड डेराइव्ड किया जाता है वो कम्प्लीटली एक्यूरेट हो तो मेजरमेंट एरर नहीं आएगी, लेकिन स्टैंडर्ड डेराइव्ड जो किया जाता है और मेजर्ड वैल्यू को जिससे कंपेयर करते हैं वो कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं होने के केस में मेजरमेंट में एरर अराइज होती है। ऑपरेटर का रोल इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस के साथ जो ऑपरेटर काम करता है उसका रोल इम्पॉर्टेंट है, और उसके द्वारा एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म किया जाता है इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स पर तो
प्रॉपर केयर के साथ वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्मिंग होना चाहिए, जिससे मेजरमेंट के अंदर एरर को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है। एरर्स जो है मेजरमेंट में वो कई ड्यू टू नेचर के कारण आती है, जो अननोन रीजन है। बहुत सी एरर रैंडम नेचर की होती है, और दूसरी एरर है जो ग्रॉस टाइप ब्लंडर्स ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल, ब्लंडर मिस्टेक्स के कारण एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के दौरान ब्लंडर मिस्टेक्स के कारण जो एरर्स हैं वो आती हैं। एरर्स इन मेजरमेंट सिस्टम, एरर्स को मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है वो मेजरमेंट सिस्टम में एरर कहलाता है। जैसे कि दो ऑपरेटर हैं सेम डिवाइस या सेम इंस्ट्रूमेंट पर काम करते हैं फॉर फाइंडिंग द एरर इन मेजरमेंट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के रिजल्ट सेम आए, नॉट नेसेसरी दैट दे मे गेट सिमिलर रिजल्ट। दोनों मेजरमेंट में डिफरेंस आ सकता है, दोनों मेजरमेंट में सेम ऑपरेटर के द्वारा सेम डिवाइस या सेम इंस्ट्रूमेंट पर कोई रीडिंग ली जाती है तो उसमें जो डिफरेंस आता है उसको एरर कहा जाता है, और जो डिफरेंस है वो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। ट्रू वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करना, कोई भी क्वांटिटी है उसकी ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करना एक्सपेरिमेंटल मीन्स से इम्पॉसिबल होता है। ट्रू वैल्यू है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के द्वारा ड्राइव किया जाता है, जो कांस्टेंट रहती है, उसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीडिंग्स को लेके उसके एवरेज के द्वारा एक ट्रू वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। और मेजर्ड वैल्यू है जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में बाय टेकिंग सर्वल मेजरमेंट वैल्यूज ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो मेजरमेंट सिस्टम में एरर का मतलब है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका एरर कहलाता है। ट्रू वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल के थ्रू फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। ट्रू वैल्यू को इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीडिंग्स के द्वारा और उसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करके ट्रू वैल्यू डिफाइन की जाती है, जो कि स्टैंडर्ड होती है, और मेजरमेंट के द्वारा जो वैल्यू फाइंड आउट होती है उसको मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं, और उन दोनों का डिफरेंस है वो आपके एरर कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट, उसको तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है रैंडम एरर्स, दूसरा है सिस्टोमेटिक एरर्स, तीसरा है ग्रॉस एरर्स। सिस्टोमेटिक एरर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑब्जर्वेशनल एरर, एनवायरमेंटल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ डिवाइस के कारण, एब्यूज ऑफ एपरेटस, और तीसरा है इफेक्ट ऑफ लोडिंग। तो इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ एरर है मेजरमेंट्स में, रैंडम एरर, सिस्टोमेटिक एरर, ग्रॉस एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, एनवायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर के तीन कैटेगरीज है, इनहेरिटेंट लिमिटेशन ऑफ डिवाइसेस, एब्यूज ऑफ एपरेटस और इफेक्ट ऑफ लोडिंग। पहला आपका आता है इसमें ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर इंस्ट्रूमेंट या रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, मीटर को यूज़ करने में अगर किसी प्रकार की मिस्टेक होती है, उसके कारण कोई एरर अराइज होती है, तो वो ग्रॉस एरर कहलाती है। इंस्ट्रूमेंट या मीटर को यूज़ करने में
मिस्टेक्स के कारण जो एरर अराइज होती है वो ग्रॉस एरर कहलाती है, जिससे कैलकुलेटिंग या रिकॉर्डिंग डेटा के रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि किसी पर्सन या ऑपरेटर के द्वारा प्रेशर गेज पे रीडिंग जो है वो आ रही है 1.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इज 1.10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पर्सन के द्वारा जो रीडिंग ली जा रही है वो है 1.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक्चुअल रीडिंग या ट्रू वैल्यू जो है वो है 1.10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है इसका डिफरेंस है वो क्रॉस एरर कहलाता है। ये पर्सन की बैड हैबिट है कि वो डेटा को रिमेंबर नहीं कर पा रहा है। जो भी ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट या मीटर पर काम कर रहा है उसकी बैड हैबिट के कारण इस प्रकार की एरर अराइज होती है कि वो डेटा को रिमेंबर नहीं कर पा रहा है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द रीडिंग, या राइटिंग के वक्त उसने 1.01 लिखने की जगह पे 1.10 लिख दिया, या रॉन्ग डेटा को बाद में फिलअप किया है। इस कारण से ग्रॉस एरर के कारण रिपोर्टेड डेटा जो है वो इस एरर को रिमूव करने के लिए जब कैलकुलेशन होगा फाइनल रिजल्ट के लिए, डेविएशन रिजल्ट के लिए, तब इस एरर को रिमूव किया जा सकता है। ब्लंडर्स है वो फाइनल सोर्स ऑफ एरर्स होते हैं। ये जो है फॉल्टी रिकॉर्डिंग और ड्यू टू रॉन्ग वैल्यू व्हाइल रिकॉर्डिंग ए मेजरमेंट और मिस रीडिंग ऑफ स्केल और फॉरगेटिंग डिजिट व्हाइल रीडिंग स्केल। रीडिंग स्केल की रीडिंग के वक्त रॉन्ग डिजिट को रीड कर दिया, या रिकॉर्डिंग के वक्त मेजरमेंट को सही से रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसको कारण जो एरर आएगी वो ब्लंडर्स कहलाती है, या इसको कहते हैं ब्लंडर्स मिस्टेक्स। टेकिंग द रीडिंग लेते वक्त आपने मिस रीड कर दिया, स्केल पे कुछ और दिख रहा था, आपने डेटा लिखते वक्त डिजिट लिखते वक्त गलती से दूसरा कुछ लिख दिया है, तो मिस रीडिंग के कारण जो है वो ब्लंडर्स मिस्टेक्स में आता है। ब्लंडर्स को रिमूव करने के लिए एक पर्सन के द्वारा जब रीडिंग ली गई है तो अदर पर्सन के द्वारा उसको रीचेक अगर किया जाता है, चेक द वर्क ऑफ अनदर पर्सन, जिसके द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है। ब्लंडर्स मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए रीडिंग को दूसरे ऑपरेटर के द्वारा क्रॉस टैली करा के इसको रिमूव किया जा सकता है। तीसरा है आपका मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर है वो ट्रू वैल्यू के मेजरमेंट में वेरिएशन के कारण जो एरर आती है वो आपके कहलाती है मेजरमेंट एरर। ट्रू वैल्यू मेजरमेंट में वेरिएशन आने के कारण इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आएगी वो कहलाती है मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर आपके रैंडम एरर और सिस्टोमेटिक एरर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मेजरमेंट एरर का एग्जांपल है कि आपके पास वेटिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिसका स्टैंडर्ड वेट कैलकुलेट किया हुआ है, द रीडिंग इज 10002 ग्राम। तो मेजरमेंट एरर है वो ट्रू वैल्यू के मेजरमेंट में वेरिएशन के कारण है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन है जिसमें आपने स्टैंडर्ड 1 kg का वेट रखा है, और जो मीटर के द्वारा रीडिंग डिस्प्ले की जा रही है वो है 10002 ग्राम, मतलब वेट आपका होना चाहिए था 1000 ग्राम, और मशीन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्केल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है 10002 ग्राम, यानी कि जो 2 ग्राम का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके मेजरमेंट एरर कहलाती है। मेजरमेंट एरर को फर्दर
दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, सिस्टोमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टोमेटिक एरर है वो मेजरिंग डिवाइस में फॉल्ट के कारण आती है, वो एरर सिस्टोमेटिक एरर कहलाती है। सिस्टोमेटिक एरर जो है वो मेजरिंग डिवाइस में अगर किसी प्रकार का फॉल्ट है और उसके कारण एरर आ रही है तो वो सिस्टोमेटिक एरर कहलाती है। इनको जीरो एरर्स भी कहा जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। और इस प्रकार की एरर को दूर करने के लिए मेजरिंग डिवाइस को करेक्ट करना पड़ेगा, मेजरिंग डिवाइस के फॉल्ट को रिमूव करके सिस्टोमेटिक एरर को दूर किया जा सकता है। सिस्टोमेटिक एरर वो एरर होती है जो मेजरिंग डिवाइस के फॉल्ट के कारण अराइज होती है। सिस्टोमेटिक एरर को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सिस्टोमेटिक एरर लेट अस क्लासिफाई द एरर्स को इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और थ्योरेटिकल, इस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। उसमें पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रॉन्ग कंस्ट्रक्शन के कारण अराइज होती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जब बनाया गया है तो उसके कंस्ट्रक्शन में अगर किसी प्रकार का फॉल्ट है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। और ये एरर हिस्टेरेसिस या फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के मूवमेंट के कारण, इंस्ट्रूमेंट्स के जो पॉइंटर्स है उनके फ्रिक्शन या मूवमेंट के कारण जो एरर आ रही है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है, हिस्टेरेसिस और फ्रिक्शन। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में लोडिंग इफेक्ट और मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड किया गया था। इंस्ट्रूमेंट एरर लोडिंग इफेक्ट या मिसयूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर ऑपरेटर के द्वारा प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं किया जा रहा है तो जो एरर अराइज होगी वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के करेक्शन फैक्टर मस्ट बी अप्लाइड एंड इन एक्सट्रीम कंडीशन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रिकैलिब्रेटेड केयरफुली। ग्रॉस एरर को मेजरमेंट में रिमूव करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्टली फैक्टर्स अप्लाई होने चाहिए और एक्सट्रीम कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट को वापस से रिकैलिब्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स वो एरर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रॉन्ग कंस्ट्रक्शन या फॉल्टी कंस्ट्रक्शन के कारण एरर होती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। ये एरर हिस्टेरेसिस या फ्रिक्शन के कारण आती है। इस टाइप की एरर में लोडिंग इफेक्ट या ऑपरेटर के द्वारा इंस्ट्रूमेंट के मिसयूज के कारण भी एरर होती है। नेक्स्ट अपना है एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर एक्सटर्नल कंडीशंस के इफेक्ट के कारण आती है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर एक्सटर्नल कंडीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इनका अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो उनके कारण जो एरर आ रही है वो कहलाती है आपकी एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर को रिड्यूस करने के लिए ट्राई टू मेंटेन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एनवायरमेंटल एरर को मेंटेन करने के लिए ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है लेबोरेटरी में उनको मेंटेन करके एनवायरमेंटल एरर को कम किया जा सकता है। और जहाँ पे भी मेजरमेंट किया जा रहा है वहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट के अराउंड नहीं हो, ये श्योर करके भी एनवायरमेंटल एरर को दूर किया जा सकता है। इसके बाद आता है अपना ऑब्जर्वेशनल एरर। जैसा कि नाम है, जो एरर ऑब्जर्वेशन के दौरान एराइज होती है वो ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाती है। जैसे कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और रीडिंग जो है इंस्ट्रूमेंट से लेते वक्त वो रॉन्ग ली गई है तो वो ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाती है, इन केस ऑफ एनर्जी मीटर रीडिंग। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो है वो ड्यू टू पैरेलेक्स के कारण आता है। पैरेलेक्स का मतलब, जब भी आप रीडिंग ले रहे हो इंस्ट्रूमेंट की तो मीटर आपका जहाँ इंडिकेट एक्चुअली कर रहा है उससे आप लोअर या अपर साइड में उस पॉइंटर के इंडिकेशन को रीड करके रीडिंग लेते हैं तो वो पैरेलेक्स एरर कहलाती है। पैरेलेक्स एरर को रिमूव करने के लिए हाईली एक्यूरेट मीटर की आवश्यकता होती है, जो कि मिरर स्केल्स के साथ अगर प्रोवाइड किया जाता है। मीटर जो है रीडिंग के लिए लिया जा रहा है एनर्जी मीटर, उसको मिरर स्केल के साथ प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्जर्वेशनल एरर को रिमूव किया जा सकता है। थ्योरेटिकल एरर, थ्योरेटिकल एरर जो है वो सिस्टम मॉडल को सिंप्लीफिकेशन के कारण अरेज होती है। जैसे कि थ्योरी के अनुसार जो है वो आपका टेम्परेचर है, सराउंडिंग सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब रीडिंग लेते हैं एक्चुअली तो सोर्स ऑफ मेजरमेंट के द्वारा वो फैक्टर उसमें काम कर रहा है। थ्योरेटिकल एरर से मतलब है कि थ्योरी में आपको ये बताया गया है कि जो सिस्टम है वो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जब आप रीडिंग लेते हो तो सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट का फैक्टर उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो कहलाता है आपका थ्योरेटिकल एरर। रैंडम एरर्स, रैंडम एरर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या नॉइज में सडन चेंजेस के कारण जो एरर्स अराइज होती है वो रैंडम एरर्स कहलाती है। सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड नॉइज, रैंडम एरर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एरर इज ड्यूरिंग चेंज इन ह्यूमिडिटी, अनएक्सपेक्टेड चेंज इन टेम्परेचर और फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, इन कारण से रैंडम एरर्स अराइज होती है। ह्यूमिडिटी में या टेम्परेचर में अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाना या वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होना रैंडम एरर्स कहलाती है। रैंडम एरर्स को रिमूव करने के लिए रीडिंग जो है वो लार्ज नंबर में लेके उसका एवरेज लिया जा सकता है, जिससे रैंडम एरर रिमूव हो सकती है। डायग्राम में आपको रैंडम एरर्स के ग्राफ से शो किया गया है। पहले वाले में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स विथ रैंडम एरर, और दूसरे में है जो इफेक्ट वो एक्चुअल है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स विथ नो रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस हैं जो ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर या वोल्टेज फ्लक्चुएशन में अनएक्सपेक्टेड चेंज के कारण होता है। ग्राफ में आपको एरर्स के टाइप वापस से बताए गए हैं, सिस्टोमेटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टोमेटिक एरर के कॉजेज है जीरो एरर, नेगेटिव, पॉजिटिव। द एरर कॉज बाय जीरो एरर इज रिड्यूस्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ऑब्टेंड रीडिंग फ्रॉम जीरो एरर, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन के कारण। मिनिमाइजिंग मेथड है बाय इंप्रूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ एपरेटस, एपरेटस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई फॉल्ट नहीं रहे इसका ध्यान रख के सिस्टोमेटिक एरर को दूर किया जा सकता है। रैंडम एरर के कॉजेज है पैरेलेक्स एरर, एनर्जी मीटर की रीडिंग के रीड करते वक्त जो मिस रीडिंग हो रहा है
वो एरर पैरेलेक्स एरर इनकरेक्टली यूजिंग द एपरेटस, एपरेटस को इनकरेक्टली यूज किया जा रहा है। मिनिमाइजिंग मेथड है बाई रिपीटेडली टेकिंग द रीडिंग्स, रीडिंग्स को रिपीट करके या उनको लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स की रिपीटेशन करके उसका एवरेज लेके इसको दूर किया जा सकता है। थैंक यू।